हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट से एसिड से संबंधित कुछ चीज़ें आज और हम जानेंगे इसमें। इसके बाद एसिड से संबंधित चीज़ें खत्म हो जाएंगी और हम बेस से बेस को पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस यानी कि एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों, वह अम्ल जो जल में क्या होते हैं, वाटर में पूर्ण रूप से कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब आयनित हो जाते हैं आयनित हो जाते हैं। और इस प्रकार वह आयनित होकर अधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट अधिक मात्रा में क्या देते हैं, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, परिभाषा इस तरीके से आप हिंदी में लिख लेंगे। वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में एच पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल जैसे एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले, प्रबल अम्ल में जैसे आपका HCl है। HCl एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको एक ही एरो आप लगाएंगे जब आप इसको वाटर में डालेंगे, H2O में जब इसको आप डालेंगे तो ये क्या बनाएगा। हमने बताया था कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव और प्लस क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर एक वाटर सॉल्यूशन होगा, ये आपका लिक्विड है। तो HCl जल से क्या करता है, रिएक्शन करके क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है और Cl नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर बच्चों मान लीजिए कि ये आपका 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, इसके जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 100 जो है मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अणु हैं इसमें, और इसको पानी में आप डालेंगे, वाटर में डालेंगे, जब इसको पानी में डाले जाएंगे तो ये 100 के 100 इसके क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। 100 के 100 अणु क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। तो इसके अगर 100 अणु होंगे तो 100 के 100 पूरे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ये आयनित हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनित हो जाएंगे। यानी कि अगर कहा जाए कि अगर एक प्रबल अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें कौन कौन से आयंस हो सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से आयंस होंगे, एच पॉजिटिव आयंस होगा और क्या होगा, जो आपका एसिड होगा और उसका निगेटिव पार्ट होगा। एच पॉजिटिव तो होगा ही और उसके साथ में उसके रिडायन भी होंगे, जैसे HCl है तो उसका रिडायन यहाँ क्या, HCl नेगेटिव क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयन इसमें जो है इसका होगा। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग, अगर 100 अणु इसके हैं बच्चों तो 100 अणु ही ये 100 के 100 पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। तो इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयंस इसमें क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। तो यानी कि जितने ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस होंगे वह एसिड क्या होगा, उतना ही अधिक जो है प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, कोई भी HCl का अणु जो है उस सॉल्यूशन में बचता नहीं है। सभी HCl के अणु अगर 100 अणु है तो 100 के 100 सब क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। इसीलिए जो पूरा आयनित हो जाता है उससे सभी अणु आयनित हो जाते हैं Bn में, तो उसी को हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों और देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स, जैसे आपका H2SO4 है, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको जब आप जल में आयनित करेंगे, बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके बीच में एक ही एरो हम लगाएंगे, एक एरो यही प्रदर्शित करेगा ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे। तो ये 2H पॉजिटिव देता है, तो यहाँ अगर आप ये 2 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ
दो हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर सल्फेट आयन, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आयनित हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका तो बच्चों ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पूरा का पूरा आयनित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसको भी आप जल में डालेंगे, हमने बताया था H पॉजिटिव देगा, इसका नेगेटिव, इसका एक पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, इसका एक पॉजिटिव, इसका एक नेगेटिव। और जल किसमें टूटता है, जल किसमें टूटता है बच्चों, ये H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव में टूटता है ना, ये तो इसको भी यहाँ आपको याद नहीं रखना है, जब वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव ये वाटर को दे देगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और जल को अभी आप जाने रहिए, जल को जब तोड़ते हैं तो क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलता भी, इसको ऐसे ध्यान में रखे रहिए। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस और प्लस जो है आपका नाइट्रेट आयन ये बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए टाइटिक, ये तीनों ही आपके क्या हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो आपके यूपी बोर्ड में 10वीं की कक्षा में ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड तीन हैं, आप इसको याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है नाइट्रिक एसिड, ये तीन है आपके पूरे के पूरे आयनित हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रहे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, अगर कंसंट्रेट सांद्र जो है स्ट्रांग जो है अम्ल को, स्ट्रांग अम्ल को अगर पानी में डाला जाता है घोला जाता है तो उसके कौन कौन से आयंस मिलते हैं, तो हाइड्रोनियम यानी कि एच पॉजिटिव आयंस मिलेगा और जो अम्ल होगा उसका क्या होगा नेगेटिव मिलेगा और कुछ भी उसमें आपको मिलेगा नहीं, HCl के अण उसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा आयनित हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब बच्चों आपको अगला स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए क्या करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये चूंकि पूरा तरीके से आयनित हो जाते हैं तो इसमें H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, H पॉजिटिव आयंस आयंस अधिक संख्या में इसमें होते हैं, अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन इसमें होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या करेगा बहुत हाई करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ये करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्ट जो है करता है, क्यों करता है क्योंकि इसमें एस पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो क्या करेंगे हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है करेंगे क्योंकि इसमें आयंस ज्यादा होंगे, क्योंकि आयनों की संख्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है डिपेंड किस पर करती है, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, आयन की संख्या जितनी उसमें अधिक होगी वह एसिड क्या होगा, वह एसिड स्ट्रांग होगा और वो जो है हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो हो करेगा, विद्युत धारा का संचालन हो बहुत अधिक जो है करेगा। और जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों वो जैसे आपके मेटल्स हैं उससे बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, पीछे आपने देखा, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, बाई कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ भी ये सब क्या है तेजी से रिएक्शंस करते हैं। अगला हम देखते हैं बच्चों, ये तो आपका एसिड है, मैंने आपको बताया था एसिड जो है लिटमस पेपर को क्या करता है,
जो ब्लू आपका लिटमस पेपर होता है उसको टर्न कर देता है रेड में कर देता है। तो ये मैंने आपको बताया था एसिड। अब देखिए बच्चों बीक एसिड क्या होता है, बीक एसिड के बारे में हम देखते हैं। तो यही डिफिनीशन जो है वीक एसिड की आपकी यहीं पर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। जो आपका वीक एसिड होगा यहां से आप हेडिंग डाल दीजिए वीक एसिड, यानी कि इसको हम क्या हिंदी में कहेंगे दुर्बल अम्ल। जो आपका दुर्बल अम्ल होगा आप थोड़ा सा यहाँ परिभाषा में आप क्या करेंगे यहाँ चेंज कर लेगा लीजिए। तो एन एसिड विच इज यहाँ कंप्लीटली नहीं बच्चों, यहाँ पार्शियली आंशिक रूप से, पार्शियली जो है आंशिक रूप से क्या होता है आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज, नहीं बच्चों यहाँ क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड क्या होगा यहां वीक एसिड होगा। ठीक है, तो दुर्बल यानी कि वह अम्ल जो जल में कम संख्या में एच पॉजिटिव आयंस देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और कम संख्या में एच पॉजिटिव आयन देते हैं वो आंशिक रूप से, वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं यानी कम आयनित होते हैं और कम संख्या में जो है एच पॉजिटिव आयंस देते हैं, जो एच पॉजिटिव आयंस होगा वो कम संख्या में देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं वीक एसिड कहते हैं। बच्चों जैसे वीक एसिड में हम ले लेते हैं आपका वीक एसिड आपका जैसे ये एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये आपका क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं सिरका, सिरका कहते हैं ना, गांव में बनाते हैं सब लोग गन्ने के रस से सिरका, तो वही सिरका है एसिटिक एसिड, यही इसका फार्मूला है। और इसको वाइनगर, ठीक वाइनगर कहते हैं, सिरका कहते हैं इसको। आप देखिए एसिटिक एसिड जो होगा बच्चों यहाँ पर इसके बीच में हम उसके बीच में एक ही एरो लगाए थे, यहाँ आप हाफ हाफ एरो लगाओ रियल सोल का चिन्ह लगाएंगे। जब इसका आप जलीय विलयन आप जो है इसका बनाएंगे, इसको आप जल में डालेंगे इसका जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये तो आपका CH3COO- नेगेटिव ये आयंस देगा और प्लस क्या देगा आपका H पॉजिटिव, लेकिन H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के रूप में होगा, तो H पॉजिटिव ये आपका यहाँ जो बनेगा तो H पॉजिटिव ये बहुत कम संख्या में जो है प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव जो है बहुत कम संख्या में यहाँ पर मिलेगा और एसीटेट आयन आपको मिलेगा, एसीटेट आयन आपको मिलेगा। लेकिन बच्चों ये पार्शियली जो है पूरा का पूरा आयनित नहीं होता है, इसका मतलब इसमें एसिटिक एसिड के अणु भी होते हैं। तो बच्चों अगर कहा जाए कि अगर एसिटिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया तो उसमें कौन कौन से आयंस होंगे, तो उसमें कौन कौन से आयंस होंगे, तो आपका आयंस में ये दोनों आयन तो होगा ही एसीटेट होगा और क्या होगा एच पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स भी होगा इसमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो आयनित नहीं होता बच्चों। इसको इसका अगर 100 अणु है तो 100 अणु में से केवल इसके क्या होते हैं बहुत कम, लगभग 5 से 10 जो है अणु ही क्या होते हैं इसके आयनित होते हैं, ज्यादा आयनित नहीं होते हैं। तो अगर बच्चों पूछा जाए वीक एसिड को अगर डाला जाता है वाटर में तो क्या 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 उसमें होते हैं, तो आयंस तो होंगे ही, जो आपका एसिड होगा उसके दोनों आयंस तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ में उसके क्या होंगे मॉलिक्यूल्स भी होंगे अणु भी होंगे, क्योंकि ये पूरे तरीके से जो है आयनित नहीं होता है। तो याद है अब देखिए जो वीक एसिड होता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो करता है लो करता है, ठीक है लो इलेक्ट्रिक। वीक एसिड जो होता है आपका वीक एसिड क्या करता है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसकी कंडक्टिविटी चालकता जो होती है वीक एसिड की कम होती है इसकी चालकता। क्यों कम होती है इसकी चालकता, क्योंकि इसमें आयंस क्या होते हैं कम होती है, इसकी चालकता क्या होती है कम होती है,
ये आपके जो है मेटल्स से क्या होते हैं, मेटल है आपका या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स आपके मेटल है, उसे भी क्या होता है बहुत स्लो जो है रिएक्शंस करता है, ये आपका वीक एसिड। तो वीक एसिड ये आपके हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, जल्दी लिखिए वीक एसिड में बच्चों। और आपके हैं तो पहला एग्जांपल और एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, जैसे H2CO3 है आपका कार्बोनिक एसिड है, ये भी आपका क्या है वीक एसिड है, तो इसमें आपके H पॉजिटिव तो होंगे ही, कार्बोनेट भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होगा, ये भी तो होगा विलयन में, तीसरा आपका है H2SO3, क्या है सल्फ्यूरस एसिड, तो इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे, एच पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा सल्फाइड आयन मिलेगा, ठीक है, ये सल्फाइड आयन आपका मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होंगे, इसके भी मॉलिक्यूल्स भी होंगे इसमें, तो ये क्या है आपके वीक एसिड है, ठीक है। चलिए नोट्स बना लीजिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं आपको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता चल गया क्या होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आयंस क्या होंगे ज्यादा संख्या में होंगे, और वीक एसिड में आयंस क्या होते हैं बहुत कम संख्या में होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या करता अधिक, यानी कि उसकी वैद्युत चालकता अधिक होती है, और जो वीक एसिड होता है उसकी वैद्युत चालकता क्या होती है कम होती है, और एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं मेटल से बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, ठीक है, इन सबसे क्या होता है रिएक्शन बहुत तेजी से करता है, और बाकी ये वीक एसिड क्या होते हैं इन्हीं से क्या होते हैं बहुत लो रिएक्शन जो है करते हैं, ठीक है। याद है वीक एसिड अगर होगा उसमें उसके आयंस भी होंगे और उसके मॉलिक्यूल्स भी उसके अणु भी इसमें होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपका होगा तो उसमें क्या होंगे उसके मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, केवल सिर्फ क्या होंगे आयंस ही होंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब दो चीजें और हम जान लेते हैं, आपका मिनरल एसिड किसे कहते हैं, मिनरल्स एसिड, ठीक, खनिज अम्ल किसे कहते हैं, खनिज अम्ल किसे कहते हैं, तो ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड, ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होते हैं मिनरल एसिड होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, इन ऑर्गेनिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल किसे कहते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो खनिज निकाले जाते हैं उसके द्वारा जब अम्ल बनाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं खनिज अम्ल कहते हैं, और एक खनिज अम्ल जो है मानव के द्वारा मैन मेक काइंड होता है, मानव के द्वारा ये जो है बनाए जाते हैं उसे खनिज अम्ल कहते हैं, और जितने भी खनिज अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो है होते हैं, और इनऑर्गेनिक होते हैं, तो इनऑर्गेनिक उसमें कार्बन आपका नहीं होता है, कुछ में कार्बन होता है लेकिन वो भी क्या होता है इनऑर्गेनिक ही होता है, जैसे आपका क्या है आपका मिनरल एसिड में HCl है, आपका H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और क्या है आपका H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, तो ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग है, ये सब तीनों क्या है स्ट्रॉन्ग आपके एसिड है, लेकिन मिनरल एसिड में ये वाला एसिड क्या होता है ये वीक होता है, एक और आपका वीक आप ले सकते हैं H2SO3, ये दोनों आपके क्या होते हैं
वीक जो है एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिनरल्स एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड में आपके क्या होंगे, वो जो है खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, वह जो खनिज पृथ्वी के अंदर से प्राप्त खनिजों से बनाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं मिनरल एसिड कहते हैं। ऑल द मिनरल एसिड्स और कॉल्ड जो है ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉल्ड मिनरल एसिड, और इसी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड भी हम कहते हैं। सो बच्चों आगे देखते हैं, और कार्बनिक देखते हैं दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, या इसी को आप कह सकते हैं नेचुरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल, या कह सकते हैं प्राकृतिक अम्ल। तो क्या है, तो ये वे अम्ल जो क्या होते हैं पौधों यौन जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और कार्बनिक अम्ल होते क्या है प्राकृतिक अम्ल भी कहलाते हैं। जैसे आपके क्या है एस्टिक एसिड है CH3COOH, पेड़ पौधे गन्ने के रस से बनाया जाता है। ठीक है, एस्टिक एसिड फार्मूला आप याद करेंगे बच्चों, जितना भी फार्मूला आपको मिले सब फार्मूले आपको पहले याद करने हैं। एस्टिक एसिड इसको आप क्या कहते हैं सिरका वाइंगर, इसको सिरका कहा जाता है देहात में। एस्टिक एसिड हो गया आपका, इसके बाद जो है फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये क्या है फॉर्मिक एसिड बच्चों, ये चीटी में पाया जाता है, चीटी जो आपका चीटी में मिलता है चीटी के डंक में। ठीक है, चीटी के डंक में, चीटी के डंक में मिलता है, या फिर जो है ये आपका एस्टिक एसिड कहाँ मिलता है अगर पूछा जाए तो सिरके में मिलता है, कहाँ मिलता है सिरके में, ये कहाँ मिलता है चीटी के डंक में या नेटल डंक में मिलता है। नेटल क्या होता है, नेटल एक शाकीय पौधा होता है जो कि जंगल में ये उगता है, शाकीय पौधा होता है जंगल में उगता है, और इस पर जो है कांटे नुमा संरचनाएं होती है, अगर ये कांटे आपको क्या होते हैं इसके चुभते हैं तो वो क्या करते हैं एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं, और कहते हैं मीथेनोइक एसिड। बच्चों इसका IPAC नाम है मीथेनोइक एसिड, तो ये इसको मीथेनोइक एसिड भी आपके बुक में लिखा है, तो IPAC जब पढ़ाएंगे तब आपको नाम याद हो जाएगा सब कैसे रखा जाता है। तो चींटी के डंक में मधुमक्खी जो आपका मधुमक्खी होता है ना वो भी काटता है ना, तो उसके डंक में, तो इन सब में फॉर्मिक एसिड जो है पाया जाता है। जो आपका लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड CH3CH, और इस पर क्या होता है बच्चों यहाँ OH होता है CH3CH, या यहाँ आप कर लें OH और COOH लैक्टिक एसिड। अगर इसको अणु रूप में लिखना चाहते हैं बच्चों तो कार्बन कितने हैं 1, 2, 3 C3 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं आपके यहाँ देखिए 6 C6, और ऑक्सीजन कितने हैं O3, ये क्या आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है बच्चों, ये दही में मिलता है, कहाँ मिलता है दही में या खट्टे दूध में, दही या खट्टे दूध में। साइट्रिक एसिड क्या है, साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है बच्चों, साइट्रिक एसिड आपका ये सब बच्चों क्या है कार्बनिक है, पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, नींबू में, लीमन या ऑरेंज संतरा में ये आपका पाया जाता है। इसका फार्मूला साइट्रिक एसिड का क्या होता है फार्मूला बच्चों आप नोट कर लेंगे, साइट्रिक एसिड में देखिए फार्मूला इसका क्या होगा, नोट कर लीजिए इसको,
यहां से देखिए, अच्छा ऊपर ऊपर हम दे देते हैं इसका फॉर्मूला, इतना हो गया। तो यह साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए CH2, यहाँ COOH कर लीजिएगा और यहाँ आपका CH, यहाँ आपका CH2, इस पर आप भी एक COOH कर लीजिएगा और यहाँ पर एक OH होगा और फिर यहाँ पर CH2 और एक COOH। तो ये साइट्रिक एसिड है। तो साइट्रिक एसिड को आप दूसरे पे अणु रूप में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 कार्बन, C6 और H6O6। देखिए शायद यही है, एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, C6H8O6। ये आपका क्या है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का एक फार्मूला है। और देखिए टॉर्टेरिक एसिड क्या है, टॉर्टेरिक एसिड कहाँ मिलता है, इमली में मिलता है। टॉर्टेरिक एसिड कहाँ मिलता है, इमली में। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला आपका होगा टॉर्टेरिक एसिड का फार्मूला, देखिए CH, यहाँ OH और ये CH और ये OH और यहाँ इसी कार्बन से COOH और ये COOH, ये फार्मूला। तो कार्बन 1, 2, 3, 4, ये 4 C4 हो गया और हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 3, 1, 6, यहाँ O जो है 6। ऑक्सीजन ठीक, ये इसका क्या हो गया, अणु सूत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका अणु सूत्र इसका हो गया CH OH CH OH और ये COOH, ठीक है। ये आपका क्या है, टॉर्टेरिक एसिड जो कि इमली में मिलता है। तो बच्चों ये जो है कुछ जो है कार्बनिक अम्ल है, इसको आप जो है याद रखेंगे। अगला बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं सभी अम्लों में क्या समान है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन बनाइए इसको, देखिए सभी अम्लों में क्या समान है, क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है सभी अम्लों में, सभी अम्लों में क्या समानता है। तो सभी अम्ल क्या देते हैं, पहला पॉइंट आप लिखेंगे सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H पॉजिटिव या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक, ये हो गया। दूसरा सभी अम्ल क्या होते हैं, सभी अम्ल का जलीय विलयन, देखिए सभी अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है ना, सुचालक होते हैं, अभी बताया था सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट सभी अम्ल, तीसरा पॉइंट ये सब कॉमन है, सभी अम्ल क्षारक से, क्षार से कह लीजिए, से क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये कॉमन है। अगला पॉइंट क्या है, सभी अम्ल लगभग
कुछ को नहीं कह सकते हैं इसमें, सभी अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया कर H2 गैस देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सभी अम्लों में क्या है, कॉमन है। इसको आप नोट कर लेंगे, सभी अम्लों में क्या कॉमन है, तो सभी अम्ल देते हैं ना। ठीक है, सभी अम्ल देते हैं। अगला बच्चों, अम्ल जल की अनुपस्थिति में, आप देखिए अगला क्या है, आप हेडिंग डाल लेंगे इसको और लिख लेंगे सभी अम्ल जल की, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में आप नोट कर लेंगे सभी अम्ल जल की अनुपस्थिति, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, सभी अम्ल क्या है, सभी अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कोई भी अम्ल हो, अगर उसमें जल नहीं होगा तो आयनित नहीं होगा, जल की उपस्थिति में ही वो आयनित होते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। जब H पॉजिटिव आयन देंगे तभी वो क्या होगा, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कोई भी अम्ल जब तक ले H पॉजिटिव नहीं देगा तब तक ले उसका अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, तो सभी कह रहा है सभी अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, यहां उत्तर लिख लेंगे, उत्तर क्या होगा, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, या जल की उपस्थिति में ही H पॉजिटिव आयंस बनेगा, अगर जल नहीं है तो H पॉजिटिव आयंस नहीं बनेगा, उसमें आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक विद्युत का सुचालक भी वह नहीं होगा। कोई भी अम्ल विद्युत का सुचालक तभी होगा जब उसमें जल मिला होगा, जब जल मिला होगा, क्योंकि जल क्या करता है, वो उसमें अम्ल को क्या करता है, उसमें पूर्ण रूप से आयनित होता है। अभी पीछे बताया जल में क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित होता है अम्ल, या जो वीक है वो कम आयनित होते हैं, और जब आयन उसमें होंगे तभी क्या होगा, वो तभी क्या होगा, वो जो है अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अम्ल का तनुकरण या तनुकृत अम्ल, डाइल्यूशन, डाइल्यूटिंग एसिड, डाइल्यूटिंग एसिड, ठीक है, तनुकृत अम्ल, तनुकृत अम्ल। तो इसमें आपको बताना है बच्चों ये कि अम्ल में पानी डाला जाता है या फिर पानी में अम्ल डाला जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर, ये जैसे क्या है, यहाँ पर पानी है, वाटर है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। दूसरा यहाँ एक फिगर बना रहे हैं, ये आपका यहाँ पर क्या है, इसमें अब की बार क्या है, एसिड है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा मेथड जो है आपका राइट है। ठीक है, कौन सा मेथड इसमें राइट है, वाटर में आप जो है एसिड डालेंगे या फिर एसिड में। बच्चों ये वाला जो है रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये वाला रॉन्ग मेथड है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, याद है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वाटर लेकर और उसमें पानी डालना चाहिए,
और बल्कि किसी स्ट्रेस से, किसी जो है कांच की छड़ से इसको क्या करना है, आपको हिलाते भी रहना है। तो ये आपका क्या है, राइट जो है मेथड है, ये वाला आपका क्या है, राइट मेथड है। क्यों अगर राइट मेथड है और क्यों ये जो है नहीं है, इसलिए बच्चों ये राइट मेथड है क्योंकि जो अम्ल होते हैं उसमें बहुत हीट होती है। अम्ल में क्या होता है, बहुत हीट होती है। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, अम्ल में क्या होगा, बम्पिंग होगा और उसमें हीट उत्पन्न होगी और ये बम्पिंग विस्फोट करने पर ये आपके ऊपर जा सकता है, आपको इंजर्ड कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी वाटर में जो है एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। तब क्या करना चाहिए, आप इसको लिखेंगे, इसलिए तब क्या करना चाहिए, वाटर लेना चाहिए आपको पात्र में और फिर उसमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, एसिड को मिलाना चाहिए और जहां तक हो उसको कांच की छड़ या स्ट्रेस से इसको क्या करना है, हिलाते भी रहना चाहिए। इस तरीके से बम्पिंग जो है नहीं करेगा, हीट तो निकलेगा ही लेकिन इस तरीके से बम्पिंग नहीं करेगा। तो आप कभी भी एसिड, आप जो है जब भी आप एसिड को मिलाएंगे वाटर में तो आप देखेंगे हीट उत्पन्न होगी, इसमें से हीट निकलती है तो पात्र पूरा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये क्या है आपका, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको जो है नोट कर लेंगे। तो याद रहे आपको कि वाटर में आपको एसिड मिलाना है, ना कि क्या करना है आपको, एसिड में वाटर मिलाना है। तो ये राइट मेथड है और ये क्या है, रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन और देखिए आप यहाँ, देखिए ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, क्यों कि एल्कोहल एंड ग्लूकोज विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, क्यों, ठीक है, क्यों। एल्कोहल इनका जलीय विलयन बनाना है बच्चों, एल्कोहल एक्वास इनका आप जलीय विलयन बनाइए कुछ भी, क्योंकि जल में ही आयन्स होते ही हैं। तो एल्कोहल और ग्लूकोज है या सुक्रोज है या आपका यूरिया है, कुछ भी कह सकता है बच्चों, ग्लूकोज सुक्रोज या आप ले सकते हैं यूरिया या आप लिख रहे सुक्रोज, ठीक है, चीनी, ठीक है, ये सब है आपके, ये सब पदार्थ के अगर आप इन जलीय विलयन बनाएंगे तो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनको पानी में घोलने पर ये क्या होते हैं, आंसर इसका क्या होगा बच्चों, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये जल में घोलने पर क्या देते हैं, आयंस जो होता है ये नहीं देते हैं, ठीक है, यही बात है, नहीं देते हैं। तो ये आयंस जो है नहीं देते हैं, इसलिए विद्युत के जो है कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। जबकि आपके एसिड है, बेस है, साल्ट है, ये पानी में जाने पर क्या होते हैं, घोलने पर ये आयंस देते हैं और ये इलेक्ट्रिक जो है कंडक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, सभी चीजें क्या होती हैं, पानी में जाने पर क्या होते हैं, आयंस नहीं देते हैं। आयंस का मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो है नहीं बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, इसमें वैद्युत धारा का ये संचालन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये वैद्युत अपघट्य का घोल नहीं बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, यानी कि वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका जरिए विलयन बनाया जाए विद्युत धारा का संचालन करते हैं वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो बच्चों ये वैद्युत अपघट्य जो है नहीं बनाते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव आयंस नहीं बनाते हैं, इसमें मुक्त आयंस नहीं होते हैं, फ्री आयंस, इसमें जो है फ्री आयंस जो है नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत धारा का संचालन नहीं कर सकते, आयंस नहीं देते हैं। जबकि आपके क्या है, चाहे आपके एसिड्स हो, चाहे आपके क्या हो बेसिस हो या आपके क्या हो साल्ट्स हो, ये सब क्या करते हैं, आयंस जो है ये देते हैं, फ्री आयंस ये जो है देते हैं और ये सब क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन बच्चों याद रहे, बिना पानी में आप डाले सुचालक नहीं होगा, पानी में जब आप घोल बनाएंगे तभी, क्योंकि पानी की उपस्थिति में ही क्या होते हैं, इनका जलीय विलयन बनता है।
तो बच्चों वीडियो आपका लंबा रहा, बस इसको आप बस क्वेश्चंस जो है इसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो सुन के। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से क्वेश्चन आप कर लेंगे। धन्यवाद।